तो फ्रेंड्स आज मम्मी से कराया काम। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी का मैजिक। और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और चेहरा देख के जाने गए होंगे, अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी बज रहा है शाम का 4 और लंच वगैरह करके सो गई थी, थोड़ी तकन नहीं सही थी, आज कमर में दर्द हो रहा था तो बस जस्ट अभी सो गई हूँ। और बनाने रखी है चाय, बन रही है और सोने की वजह से चेहरे में थोड़ा सा वो हो रहा है, कोई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम से, और अभी बन रही है मेरी चाय। और आर्या, आर्या की अम्मा, ये लोग कहाँ है, मैं मम्मी और आर्या अपनी एज यूजुअल अपनी जगह पे बैठी हैं। मम्मी निकल के आके बाहर बैठ गई हैं, शाम को दिखाती हूँ। तो 2 बजे आ गए थे, बाहर बैठे थे, ये लोग सो रहे थे, हम लोग आ गए थे। नहीं मम्मी, मम्मी को लग रही सर्दी, मम्मी अपना साल आल ओढ़ के बैठी हैं, सर्दी लग रही। ए लड़की हाय करो। हाय करो, हाय गाइस। आपको पता है मेरा कंपटीशन है 14 नवंबर को, तो उसकी डांस परफॉर्मेंस है मेरी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। पहले गाना तो पता करके आओ। अभी बना रही हूँ चाय और मम्मी आ रहे बाहर है, और आर्या के पापा लेटे हुए हैं रूम में, और अभी बन रही है मेरी चाय। और आज ब्लॉग थोड़ा लेट चालू किया क्योंकि आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कमर में दर्द हो रहा था। और चलिए चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, और दिखाऊँ आ रहे कि पापा कहाँ हैं, दिखाती है। तब थोड़ी बहुत ठीक है, सुबह फिर से फीवर आ गया था, अभी शाम को फिर जाना है इंजेक्शन लगवाने, तो देखते हैं, बाकी इन्हीं से बात करते हैं तबीयत कैसी है। ठीक है, कह रहे थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सा टहलो, लेटे लेटे भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। उधर चलो चाय बन रही है, चलो तो चलिए चाय बनाते हैं, फिर बैठ के चाय पीते हैं, फिर मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स चाय बनकर रेडी है, आइए और चाय पी लीजिए। और आर्या देखो ये क्या कर रही है। कहना में अब पढ़ लो बैठ के, थोड़ी देर हो गया, बहुत देर के बदतमीजी। यहाँ पे मम्मी जी के तेल डाल रही हैं, ग्रैंड मदर उर्फ मदर के तेल डाल रही हैं। आज मम्मी से कराया काम, मम्मी मेरी छोटी कर रही है। छोटी की वजह से डांट पड़ी है, इसीलिए मम्मी छोटी कर रही है। मम्मा ये वाली लगा दी? नहीं, फ्रेंड्स अभी हो चुकी है मेरी छोटी, जो कि की है मम्मी ने, अच्छी लग रही है, ऑयल डलवा के तब चोटी कराई है। आने के बाद अभी आ गई हूँ ऊपर, और मौसम में थोड़ी बहुत ठंडी है, मतलब थोड़ा बहुत ठंडा है और धुंध भी है, और अभी शाम का बज रहा है 5:15 और थोड़ा बहुत अंधेला भी होने वाला है। और बाकी दिखाती हूँ आपको वेदर कैसा है यहाँ का। ये देखिए फ्रेंड्स वेदर यहाँ का, धुंधी सी है, हल्का हल्का सा फॉग है वहाँ पर वो। तो चलिए पेड़ों में पानी की कमी है थोड़ी सी, तो अपने पेड़ों को देते हैं थोड़ा सा पानी, यानी करते हैं वाटरिंग, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको।
5:30 हुआ है और सब लोग अंदर आ गए बाहर, क्योंकि मच्छर लगने लगे थे। इस टाइम मच्छर बहुत ज्यादा है, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। और यहाँ पे आर्या आर्या के पापा क्या कर रहे हैं दिखाएं आप। बीन बीन के अभी ये भी बीन बीन के खा रहे थे, जब आपको देखा तब रुक गए दोनों लोग, एक एक कटोरी में लेकर चने खा रहे हैं। और यहाँ शाम के टाइम सब बैठ के खा रहे हैं चने 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 ताजे ताजे गरम गरम चने। जी पढ़ने बैठ गई हैं, बड़ा डांट डपट के बिठा ली जाती हैं तब पढ़ने बैठती हैं। क्या पढ़ रही हो? मैथ्स। मैथ्स लगा रही है। मैथ्स में क्या बना रही है? वॉच के बारे में है, चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर है? वॉच। वॉच बनाई मैंने। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी वो कहते नहीं है बैठे बैठे कोई काम नहीं है। मम्मी कर रही है अपने लड़का के लिए चने चने एक तरफ छिलके निकाल रही चने के, दिखाओ ये देखो अपने लड़का के लिए कि दिक्कत ना हो लड़का खाने में, तो चना छील छील के उनके लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये गए हैं हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्या कर रही है पढ़ाई और जबरदस्ती बिठा ली गई है डांट के। गाइस ये रोज झूठ बोलती है, जबरदस्ती बिठा ली गई है। मम्मी ये जबरदस्ती नहीं बिठा ली जाती है, कितना डांटी जाती है तब बैठती है पढ़ने के लिए। हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलती है गाइस, साफ साफ झूठ बोलती है। और मम्मी अपने लड़के के लिए छील छील के रख रही है चने, क्योंकि आजकल इनको चने दिए जा रहे हैं, इनको हल्की सी पीलिया की शिकायत बताई गई है, तो चने खाते हैं। तो लड़के को दिक्कत ना हो, वो खा रहे थे लेकिन तब तक आ गए पापा, तो उनके साथ गए हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने। डेली इंजेक्शन लग रहे हैं इनको, और मम्मी तब तक अपना चना छील के रख रही है ताकि खाने में दिक्कत ना हो इनके लड़के को। पता है गाइस ये जो वॉच बनाते हैं ना, उसमें आर्ट की आर्ट भी हो जाती है, मजे के मजे भी हो जाते हैं, वर्क भी हो जाता है, आर्ट भी हो जाती है। ड्राइंग ड्राइंग बहुत पसंद है इनको। और इन्होंने लिया एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट 14 नवम्बर चिल्ड्रंस डे पे, तो उसके लिए डांस कॉम्पिटिशन में लिया है ना डांस। मैं अभी जब पढ़ लूंगी उसके बाद आपको डांस करके दिखाऊंगी, जितना सीखा है अभी। गाना मुझे याद नहीं है लो। मतलब डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, गाना याद ही नहीं है कि कौन से गाने पे करना है इनको डांस। मैम सिखा रही है तो मैम को याद होना चाहिए, मुझे क्यों याद होना चाहिए? अरे तो गाने नहीं याद करोगी तो कैसे डांस कर पाओगी? पकड़ लिया है बिल्कुल। चलो हम पागल तुम से। मम्मी है, मम्मी तो सही होती, मम्मी इज ऑलवेज राइट। यस। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं मुझे कमेंट्स में बताना। एक लोग है जो बताएंगे कि कौन से में पढ़ते हैं। सारे बताना, सब लोग इनको बताना कहाँ कहाँ पढ़े हुए हैं किस। ये तेरा कन्हैया, ये पढ़ाई और ये गाना गाया जा रहा है। मैया ये चौदह, ये तेरा कन्हैया, पढ़ाई के नाम पे में क्या करती हो? तंग मुझे करता है, तंग मेरे लड़दा है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, और यहाँ पे बॉईल किया था इनके लिए गर्म पानी, जो पाउडर दिया था डॉक्टर ने वो मिक्स करके इनको देना था, जो ये पानी यही पानी वो दिन भर पीते हैं। और ये एक तरफ रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं कीवी और एप्पल काटूंगी इनके लिए। शाम को एक कीवी सुबह, एक कीवी शाम को देनी पड़ रही है, मतलब देती हूँ क्योंकि इनकी प्लेटलेट्स डाउन है। और यहाँ पे देने लगी मम्मी को जूस, डेली जो मम्मी को सुबह शाम जूस दिया जाता है, तो देने गई थी मम्मी को जूस इस। और यहाँ पे मेरा जो गाय का दूध था वो बॉयल हो चुका है, अब करूँगी भैंस का दूध, क्योंकि दो तरीके से दूध आते हैं, गाय का आता है स्पेशली इनके लिए, और जो भैंस का आता है उससे चाय वगैरह बनती है, और गाय का दूध ये और आरव पीते हैं। और दूध गर्म होने के लिए रख दिया उधर। फ्रेंड्स इस टाइम काम भी बढ़ गया है, फटाफट से चाय के बर्तन धो लूंगी, इनकी भी तबीयत नहीं ठीक है, और मम्मी की तो ठीक है नहीं, मतलब अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, तो दोनों लोगों के लिए अलग से बनाना पड़ता है अपने बच्चों। फ्रेंड्स अभी इवनिंग का सारा काम हो गया है और ये चले गए थे हॉस्पिटल, आपको बताया था जैसे कि इंजेक्शन लगवाने,
तो क्योंकि इनका कोर्स चल रहा है, प्लेटलेट्स डाउन है और TLC डाउन है, और बुखार तो अभी आ रहा है, आज सुबह फिर आ गया था बुखार, और तो ये चले गए थे इंजेक्शन लगवाने पापा के साथ, फिर ये आए, फिर पापा आए तो पापा के साथ मैं भी बैठ गई आधे घंटे, और उसके बाद अभी इनको कीवी और सेब काट के दिया, मम्मी को जूस दिया, मम्मी को दवाइयाँ दी, इनको दवा दी, इनका पानी गर्म करके रखा जो कि पीते हैं, और अभी फ्री हुई हूँ, लेकिन अभी डिनर की प्रिपरेशन बाकी है, और डिनर में बनाना ही क्या है भाई, मूंग की दाल ही बनेगी क्योंकि वो दोनों लोग तो और कुछ खा नहीं रहे, तो उनके लिए बनाऊंगी मूंग की दाल, और मैं वो आर्या हूँ, आरव है नहीं, आरव बनानी क्या अपनी, तो हम आर्या अपने लिए देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का बना लेंगे, बाकी उन लोगों के लिए मूंग की दाल और रोटी एज यूजुअल। तो अभी बस सबको दवा ववा दे के और दूध सारी चीजें करके फल वगैरह दे के अभी फ्री आपसे बात कर लूँ, तो बात करने चली आई रूम में, यहाँ आर्या दीदी कर रही है ड्राइंग, वही फालतू का पेज बेकार करना, और ड्राइंग में पता नहीं कितना मन लगता है इस लड़की का, इतना दिमाग अगर पढ़ने में लगाए तो अच्छी हो जाए पागल। तो अभी फ्री होके आपसे बात कर रही हूँ, तो चलिए बाकी थोड़ा दिमाग भी इस टाइम पे थोड़ा नहीं सही है क्योंकि इनका बुखार नहीं जा रहा है, कल भी आज भी सुबह आ गया था थोड़ा सा, और अभी जब चेक कराया तो 100 निकला आज भी शाम को, तो थोड़ी टेंशन अब हो रही है, देखते हैं अगर कल नहीं आराम मिलता है तो फिर इनको किसी और को दिखाएंगे, किसी और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो देखते हैं। और एक सरप्राइज़ है जो कि बहुत जल्द आपको देने वाली हूँ, मिलने वाला है, तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ आगे आने वाले ब्लॉग्स में, वो आपको पता चल जाएगा कल या परसों के ब्लॉग में शायद पता चल जाएगा, एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। तो फिर जो सरप्राइज़ है इतना हिंट दे सकती हूँ कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, तो वो जब आप मेरे डेली ब्लॉग देखेंगे तो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अच्छा एक बार इनको दिखा देती हूँ, ये मैडम यहाँ पे रूम में बैठ के क्या कर रही है, देखो पूरा बक्सा अपना खोल के रख रखा है, कलर बक्सा इसे अटैची अटैची, और ये देखिए ड्राइंग। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मिलूंगी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे मम्मी के मैजिक में, और आने वाले ब्लॉग में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, ट्राई करने जा रही हूँ पहली बार, तो वो तो तभी पता चलेगा जब आप मेरे डेली ब्लॉग्स देखेंगे, और शायद एक या दो ब्लॉग के बाद वो आपको पता चल जाएगा। तो डेली मेरे ब्लॉग्स देखिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।